आज हम लोग मिंट की खट्टी मीठी शरबत बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके लिए हमने एक पतीले में 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए डाल दिया है। मिंट के पत्ते धो करके मैंने साफ करके एक बॉल रख लिया है, छोटे बॉल से। अब इसे खट्टी में डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में। अब पानी गर्म हो चुका है, पानी डाल करके 1 घंटा के करीब इसको छोड़ देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। 100 ग्राम के करीब इसमें जैकरी डालेंगे। नमक 1 चम्मच, गोलकी 1 चम्मच, काला नमक आधा चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक नींबू निचोड़ कर डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको बना करके आइस गोला भी बना सकते हैं, काला खट्टा। मैंने नींबू को केटली में ही डाल दिया है, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये शरबत ठंडा ही पिए, ठंडा शरबत ही इसका अच्छा लगता है। हाँ, बना करके फ्रिज में रख दें और फिर इसको पिए। अब ये देखिए मेरा बन के रेडी हो गया है और मैंने इसको बोतल में रख दिया है। सब्जा सीड को मैंने पहले से ही भिगो के रख लिया है। 1 चम्मच सब्जा सीड है। अब इसमें आइस डाल करके जो खट्टा मीठा चटपटा सा मैंने बनाया था पहले उसे डालेंगे। फिर इस पुदीने मिंट के जो पानी है उसको डालेंगे। नींबू के 1 स्लाइस से इसको हम लोग सजा लेंगे। नींबू का स्लाइस इसलिए दिया जाता है कि ताकि आपको कम लगे उस स्लाइस को इसमें डाल करके पी सकें। और ये मिंट के पत्ते जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए अब मेरा ये खट्टा मीठा मिंट का शरबत तैयार है।